गोरखपुर शहर के SPCT रहे विनय कुमार सिंह का बुधवार को एक निजी होटल में विदाई समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। गोरखपुर शहर के SPCT पद पर कार्यरत रहे विनय कुमार सिंह का तबादला एटा जिले में स्थित PSC बटालियन के उप सेना नायक के पद पर कर दिया गया है। बुधवार को शहर के गणमान्य व्यक्तियों एवं गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के अध्यक्ष मार्कंडे मणि एवं सदस्यों द्वारा विनय कुमार सिंह को पुष्प एवं माल्यार्पण कर विदाई दिया गया। साथ ही विनय कुमार सिंह को प्रतीक चिन्ह के रूप में भगवान बुद्ध का प्रतीकात्मक मूर्ति भेंट किया गया। इस दौरान SPCT रहे विनय कुमार सिंह द्वारा किए गए कार्यों, अपराधियों और अपराध पर नियंत्रण की कार्रवाई के लिए उनकी प्रशंसा की गई, साथ ही उनके मंगल कामना किया गया। SPCT साहब श्री विनय कुमार सिंह जी को पुष्पगुच्छ देकर उनका सम्मान करें। सैयद इंतजाज अली साहब अगर प्रांगण में, कहा जाता है कि मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ बेटी त्रिपाठी जी पिताजी और सबके समक्ष कार्यकर्ता है टैक्स एडवोकेट प्रेस क्लब जगदम्बा त्रिपाठी जी, दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार नवीन शाही जी से आग्रह है कि कुमार सिंह चंदन ETV भारत, ऐसे में एक गीत याद आता है और पीछे से इसे और चाहते हाँ तुम मुझे यूं भूला। बड़ा दामन है कि हर कोई चाहे वो कहीं से भी तुम्हें भैया आ जाइए, तुम्हें भैया हाथ लगा लीजिए। हाँ, ये प्यार है शहर का, मुलाकातों का, यादों का, सही हमसे जैसे भी यहाँ बिताया क्षण, एक ही क्षण आपका। अपना आभार प्रेषित करना चाहूँगा कि उन्होंने एक फेयरवेल समारोह आयोजित करके अपनेपन का परिचय दिया और मेरे ऐसे अधिक शायद लोग मेरे बारे में जानते हैं। 20 साल की नौकरी में लगभग, अभी मैं भी कैलकुलेट कर रहा था, तो लगभग 10 साल की सेवाएं डिफरेंट कैपेसिटी पे हमने गोरखपुर में प्रदान किया है और अब की बार जो लगभग 2 साल की पोस्टिंग थी थोड़ा ज़्यादा ही है, ये कुछ ज़्यादा चैलेंजिंग थी, चुनौतीपूर्ण था और जो चैलेंज हमने झेले हैं ये बयां नहीं हो सकते। SPCT पद पर अगर कोई आसीन होगा तो इसको वो झेल सकता है, उसको महसूस कर सकता है। अभी फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया है, स्नेह दिया है और जो मेरा गोरखपुर से लगाव है, ये लगातार बना रहेगा। और पिछले 20 साल की नौकरी में मैंने एक परंपरा को तोड़ा है, कभी भी जो मेरा फेयरवेल आयोजन करने की बात किसी ने किया तो मैं व्यक्तिगत रूप से उसके घर जाके खाना तो खा लिया हूँ, लेकिन मैंने कभी इस तरह के समारोह में भाग नहीं लिया और मैंने बड़ा अनुशासनहीनता तो नहीं कहेंगे और इसको शिष्टाचार तोड़ना भी नहीं कहेंगे, लेकिन मैंने बड़े संजत शब्दों में किसी ने भी मुझे विदाई करने की कोशिश किया जहाँ से मैं ट्रांसफर हुआ तो मैंने इनकार कर दिया था, लेकिन ये मार्कंडे मणि जी का प्यार था अपना था, मैं इनकार नहीं कर पाया था। अभी इसको अनुशासनहीनता नहीं कहेंगे, पुलिस विभाग में विदाई समारोह का आयोजन हुआ था, CO कैंट का मेरा एक साथ था, मैंने बड़े ही शालीन और शिष्ट शब्दों में उस विदाई समारोह में भाग लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन आज मार्कंडे मणि जी का जब फोन कॉल आया मेरे पास तो इनका प्यार था, स्नेह था कि मैं इसको इनकार नहीं कर पाया। और मैं बता दूं कि यहाँ पर मैंने आज एक परंपरा को तोड़ा है, ट्रेडिशन को तोड़ा है, शायद फिर भी ये परंपरा जो बनी तोड़ा है परंपरा बनी रहेगी। इस परंपरा को तोड़ने के लिए मार्कंडे मणि जैसा कलेजे वाला आदमी कोई ऐसा दोस्त मिलेगा तो ये परंपरा टूटेगी, लेकिन वो परंपरा यहाँ बनी रहेगी। मैं फेयरवेल लेने में विश्वास नहीं करता, लेकिन जो आप लोगों ने बताया है 10 साल से मैं लगभग गोरखपुर से जुड़ा रहा सर्विस के रूप में और मेरी पहली पोस्टिंग भी फील्ड में गोरखपुर में ही हुई थी और पहला मेरा कार्यकाल लगभग 3.25 साल का था, 3.25 साल का कार्यकाल और डिफरेंट सर्किल में तो मैं गोरखपुर के सारे अच्छे लोगों से जुड़ चुका था और मेरा सम्मान लगातार बना रहा और आजीवन बना रहेगा। और आपने जो आज मुझे प्यार सम्मान स्नेह दिया है इसके लिए मैं आप लोगों का आभारी हूँ, मैं पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और यह सम्मान सतत बना रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।